सर मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले आपका नाम क्या है और आप करते क्या हैं? मेरा नाम है मोहम्मद रईस और मैं फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग डायरेक्टर हूँ। और आपने किसी मशहूर सिंगर जाने माने सिंगर अदनान सामी की जो ड्राइवर थे उनके खिलाफ में आपने किसी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया, क्या है वो मामला? जी हाँ, मैं इस मैटर का खुलासा करना चाहता हूँ। 7 अप्रैल 2017 में मैंने एक कार खरीदी थी स्विफ्ट डिज़ायर, जो गाड़ी का ऑनर था मोहम्मद इफ्तिकार बलूच, जो अपने आप को मशहूर सिंगर अदनान सामी का ड्राइवर बताता था। और मुझे जिस बिल्डिंग में अदनान सामी रहते थे उस बिल्डिंग में मुझे बुलाया था और मैंने पेमेंट उनकी गाड़ी मर्सिडीज़ में बैठ के पेमेंट की थी। मुश्किल से गाड़ी मेरे पास में 20 दिन थी। गाड़ी लेने के बाद में उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, TTO फॉर्म पे सारे सब साइन लिए हुए थे मैंने। मुश्किल से गाड़ी मेरे पास में 20 दिन थी। 20 दिन के बाद में मोहम्मद इफ्तिकार का मुझे कॉल आया कि सर मुझे 4-5 दिन के लिए गाड़ी मुझे चाहिए, मेरी फैमिली को कहीं घुमाने लेके जाना है। दोस्ती में मैंने गाड़ी उसको दे दी। 4-5 दिन होने के बाद में मैंने जब गाड़ी मांगी तो इस बंदे ने मुझे 2.5 महीने तक गाड़ी वापस नहीं दी। 2.5 महीने के बाद में मुझे पता चला कि गाड़ी मेरी गोरेगांव पुलिस स्टेशन में पुलिस के ताबे में है। जब गोरेगांव पुलिस स्टेशन में मैंने मेरी गाड़ी की इंक्वायरी करने के लिए गया तो पुलिस वालों ने ये बताया कि मोहम्मद इफ्तिकार ने, जो अपने आप को अदनान सामी का ड्राइवर बताता था, वो गाड़ी किसी ज्वेलर्स वाले को 1,30,000 में बेची है। फिर मैं ठगा सा रह गया, परेशान हो गया। फिर मैंने ओशीवरा में राइटिंग में ओशीवरा के पुलिस ऑफिसर को अप्लीकेशन दिया है कि मेरी हेल्प करें और ऐसे मोहम्मद इफ्तिकार बलूच से लोगों को बचाएं। और मुझे ओशीवरा पुलिस स्टेशन को अपील कर रहा हूं कि मेरी हेल्प करें और ऐसे लोगों से बचाएं जो अपने आप को अदनान सामी का ड्राइवर बताता है और लोगों को ठगता है।